अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाईन, हाजिर हैं योग हॉरोस्कोप से डेली हॉरोस्कोप लेकर, यानी आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं। बोरिये हमल, आज आपके मामलात बेहतर रहेंगे, मगर कोई भी काम करने में तेजी बिल्कुल ना करें। किसी वजह से अगर कोई काम मुकम्मल ना हो रहा हो तो परेशान ना हो, इंतजार करना बरकत लाएगा। ये साल दौलत कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन बचत ज़रूर करते रहें। इस साल जिस ज़राए से भी आप दौलत इकट्ठी करेंगे वो आपको फ़ायदा ही देगी। साल का ज़्यादातर हिस्सा खुशहाली में ही गुजरेगा। बुरज सौर, लिखने लिखाने का काम प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिशिंग, डिज़ाइनर और ऑनलाइन कामों कारोबार करने वाले फ़ायदा मंद रहेंगे। इस माह कुछ लोग सोशल और मुआशरती सरगर्मियों को अंजाम देने से फ़ायदा उठाएंगे और चंदा या इमदाद हासिल करके अपनी आमदन बढ़ाएंगे। और यह जौजा, आज आपको रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ा मुहतात रहना होगा। ज़मीन, ज़राअत और काश्तकारी से मुतलका जितने भी शोबों में लोग कामों कारोबार करते हैं सब फ़ायदा उठाएंगे। रूहानी अलूम का मुतालिया या दीगर तालीमी सरगर्मियों में शिरकत करके अपनी ज़हनी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। बोरिये सरतान, अपने दिलो दिमाग को धोखा और फरेब और ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने जैसे ख्याल से महफूज रखें, वरना बहुत नुकसान होगा। ठेकेदार, मजदूर, आयरन स्टोर, ऑटो स्टोर, मैकेनिकल वर्कशॉप्स, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग, मिडवाइफ और हेल्थ के शोबों में काम करने वाले इस माह इजाफी आमदन हासिल कर पाएंगे। मोहतात रहें, अल्लाह पाक झगड़ा और हादसा से महफूज रखें। और यह असद, नॉर्मल दिन है, कुछ काम मुकम्मल करने की ज़रूरत है, मगर आप तवज्जो नहीं दे रहे। सियासत और सोशल काम करने वाले आज का दिन मसरूफियत से भरपूर गुजारेंगे। आज लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लोगों से मुलाकात और मामलात में मोहतात रहें। बोरिये सुमला, अपनी आमदन को महफूज रखें और गैर जरूरी अखराजात को कंट्रोल करें। तहरीरात, कागज और गत्ता और स्माल इंडस्ट्रीज का कारोबार करने वाले और मुलाजमीन मुनाफा बख्श रहेंगे। आज ज्यादा मेहनत और मशक्कत वाले काम करते हुए मोहतात रहें, चोट लगने का अंदेशा है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बोरिये मीज़ान, हर तरह की जिम्मेदारियों से नबर्द आजमा होने पड़ेगा। वक्त को ज़ाया ना करें, पर वक्त फैसला करें। आज आपसे कामों में गलतियां हो सकती हैं, लिहाजा पूरी तवज्जो से काम करें। दौरान ड्राइविंग और काम करते हुए मोहतात रहें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए सफ़र की दुआ और दुरूद पाक पढ़ें। बोर यह अकरब, कामों में तेज़ी ना करें। जो काम बेहतर तरीक़ा से नहीं चल रहे उनके लिए मज़ीद बेहतर पॉलिसी बनाएं। रिस्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, आपको कहीं से भी कुछ ज़रूर मिलेगा, मगर ख्याल रहे बचत में ही खुशहाली है। घर में गैस और बिजली पर चलने वाली चीज़ों को चेक करें। छोटे बच्चों को ख़तरनाक शरारतों और खेल से दूर रखें। बोरिये कौस, जो काम शुरू कर रखे हैं उन्हीं पर तवज्जो देना बेहतर होगा। ये हफ्ता कारोबारी लिहाज से नॉर्मल रहेगा, लेकिन कपड़े की मार्केट और तजारती मंडियों में तेज़ी रहेगी और ज्वेलरी का कारोबार भी बढ़ेगा। आज का दिन तमाम मामलात में मोहतात रहते हुए गुजारें। बुरज जद्दी, अंदरूने और बैरूने मुल्क का सफ़र करने वाले आज सदका ज़रूर दें। आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। प्रॉपर्टी, स्टॉक और तजारत का काम करने वाले संभल कर काम करें। कोई बड़ी सरमायाकारी आज ना करें तो बेहतर होगा। लोगों से बातचीत नॉर्मल अंदाज में करें, झगड़ा से बचें। बुरज दल, काम पर जाने से पहले सदका देंगे तो अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। आपका जो भी पेशा है दिल लगाकर काम करें। आज लोगों से ज्यादा मिलने मिलाने और बहसो तकरार करने से परहेज करें। बैंकों और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम करने में फायदा मिलेगा। बुरज हूत, कोई सबका क्लेम वसूल करने या किसी इदारे में रुका हुआ काम करवाने की कोशिश करें। आज किसी भी दस्तावेजात पर दस्तखत न करें। कारोबारी लिहाज से इस्तेहकाम रहेगा, मगर लेन देन में झगड़ा हो सकता है। लोगों से मोहतात रहते हुए गुफ्तगू करें। अगर लोग आपकी बात से इत्तफाक ना करें तो बहस व मुबाहसा में ना पड़ें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें और हमारे चैनल
योग हॉरोस्कोप को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप हमारी वीडियो से वक्त पर रहनुमाई हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह निगेबान।